मुस्कान, स्माइल, हंसी, ये हमारी पर्सनैलिटी का मेन हिस्सा है। लेकिन अगर मुस्कुराते हुए आपके दांत पीले दिखे तो इससे हमारी पूरी पर्सनैलिटी पर नेगेटिव असर पड़ता है। क्लीन एंड वाइट टीथ हमारी हाइजीन को भी शो करता है कि हम अपने आप को कितना क्लीन एंड साफ रखते हैं। पर कई बार दांतों को अच्छे साफ करने के बाद भी दांतों में पीलापन आ जाता है, तो कई बार खाने पीने की ऐसी चीजें भी है जिनसे लगे दांतों पर इनेमल पूरी तरह से गंदे हो जाते हैं। हमारी कुछ बैड हैबिट्स भी दांतों को पीला करने का रीजन बन जाती है, जैसे कि ब्लैक कॉफी, बहुत ज्यादा चाय पीना या फिर स्मोकिंग, और इस तरीके के बहुत सारे ऐसे रीजन है जो हमारे दांतों की गंदगी और पीलेपन का कारण बन जाते हैं। इन सभी के अलावा अगर हमारे दांतों पर प्लाक की लेयर बन जाए तो भी हमारे दांत पीले नजर आते हैं। अब आपको दांतों के पीलेपन एंड उनके गंदे होने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल टीथ व्हाइटनिंग होम रेमेडी बताने वाली हूँ, जिसको करने के बाद आपके दांत मोती की तरह चमकने लग जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ ये 100% वर्किंग है, एंड इसको करने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसको करने के बाद ही आपके दांत एकदम बहुत ही अच्छे से मोती की तरह चमकने लग जाएंगे। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो इसके लिए हमें चाहिए अदरक का छोटा सा पीस, और इसे हमें अच्छे से घिस के इसका जूस निकाल लेना है। अब जो ये हमारा जूस निकला है इससे बनेगा हमारा टीथ व्हाइटनिंग पेस्ट। अब इस अदरक के जूस में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नींबू की कुछ ड्रॉप्स को। अब हमें इसमें ऐड करना होगा कोई भी टूथपेस्ट, जो भी आप यूज़ करते हैं आप वो ही इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना के तैयार करेंगे। तो अब हमारा टीथ व्हाइटनिंग पेस्ट बनके रेडी है। इसे आप एक बार में ही बना के स्टोर करके भी रख सकते हो। अब हम इस पेस्ट को थोड़ा सा अपने ब्रश पे लेंगे एंड डेली इस पेस्ट से अपने टीथ को क्लीन करेंगे। 5 मिनट तक हमें इससे अपने टीथ को अच्छे से क्लीन करते रहना है, उसके बाद पानी से अपने टीथ को क्लीन कर लेंगे। ये पेस्ट आपको तब तक अपने दांतों पे यूज करना है जब तक कि आपको अपने दांतों में फर्क देखने को ना मिल जाए, क्योंकि ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड अगर आप इससे भी ज्यादा जल्दी अपने टीथ को व्हाइट करना चाहते हैं तो आप इस रेमेडी के साथ हफ्ते में एक बार अपने दांतों पे नींबू लेकर अपने दांतों पे रब कर सकते हैं। इससे आपके दांत और भी जल्दी व्हाइट होंगे। बट आपको याद रखना है कि नींबू का यूज आपको सिर्फ हफ्ते में एक बार करना है, क्योंकि इसका ज्यादा यूज करने से आपके दांत डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसका यूज हमें सिर्फ अपने दांतों के जमे जिद्दी दाग को हटाने के लिए ही करना होगा, क्योंकि नींबू में नेचुरल ब्लीच प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे टीथ व्हाइटनिंग में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। तो फ्रेंड्स, ये अदरक और नमक वाली रेमेडी आप जरूर ट्राई कीजिए। अपने दांतों को क्लीन एंड व्हाइट एंड खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेमेडी है ये, आपको बहुत ही जल्दी वर्क करेगी और आप भी बिना किसी शर्मिंदगी के सबके सामने खुल के स्माइल कर सकेंगे। सो गाइस, ये रेमेडी जरूर ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।